ऐसा लग रहा है हमारी प्राइवेट स्नो है, ऐसा इस वजह से लग रहा है क्योंकि हम ये स्नो को किसी और के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, हम अकेले ही देख रहे हैं, कोई भी और टूरिस्ट नहीं है। नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय मैं गुलमर्ग में हूँ, कश्मीर। दिन की शुरुआत आज हम गंडोला राइड करके कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हो जो क्यू लगी हुई है, ये सब लोग गंडोला राइड करने के लिए आए हुए हैं। सुबह 9:15 का भी टाइम है। जितनी क्यू आपको यहाँ पर 9:15 दिख रही है, 2 घंटे के बाद इससे शायद 2 या 3 times क्यू हो जाएगी, क्योंकि जो लोग श्रीनगर से आते हैं बाय द टाइम यहाँ पहुँचते हैं 11:15 का टाइम हो जाता है, तो ऑब्वियस है फिर एकदम से रश आ जाता है। और 12:30 के बाद आने का मतलब है कि आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अभी ना खबर आई है कि गंडोला फिलहाल कुछ देर के लिए बंद है, तो वो भी पता लगा लेते हैं और हम भी जाके वहाँ पर क्यू में लग जाते हैं। सबसे पहले तो वो लोग जाते हैं जिनके ऊपर शॉप्स हैं या कोई स्की कराता है, जो यहाँ बेसिकली यहाँ के लोकल्स हैं, फिर टूरिस्ट की एंट्री स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग जो टाइम है ना सुबह 8:30 है। लो जी, हमारी गंडोला राइड स्टार्ट हो गई है। जहूर भाई हमारे साथ हैं, एज अ गाइड चल रहे हैं। फेज 1 पर हम रुकेंगे जी। फिर हम दूसरी गंडोला में बैठेंगे जी। दूसरी मतलब सेकंड में second. फेज 2 के लिए 740 रुपए की हमने टिकट निकाली है फेज 1 की, और 950 रुपए की फेज 2 की। और 25 दिन पहले मैंने टिकट निकाली, क्योंकि ये 10-15 दिन पहले तो नहीं मिलती। ये पूरा जंगल एरिया है ना, पूरा फॉरेस्ट है फेज 1 तक। फेज 1 से आगे माउंटेन। जरूर भाई, ये कुछ लोग ना मेरे को भी पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे थे ऊपर की तरफ, तो अगर किसी को फेज 1 पैदल आना है तो कितना समय लगता है? जैसा कि अगर आप फेज 1 तक आएंगे, फेज 1 तक 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा से ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 10 मिनट। तो अगर फेज 2 की बात करें, फेज 2 जाएंगे तो उसमें आने जाने में 1 दिन लगता है। एक पूरा दिन का ट्रेक रहता है 1 दिन का, क्योंकि सेकंड फेज जो है वो हाइट पे है। फेज 1 तो फ्लैट एरिया है, बीच बीच में फ्लैट एरिया से चल के आना, तो उसमें 1 ही घंटा लगता है। फेज 1 का जो नाम है ना वो है कॉन्ग डोरी बोलते हैं, ऐसा सामने लिखा हुआ है। 8,530 फीट हम हाइट में है, और इसके ऊपर अफरवट माउंटेन है, बेसिकली जगह का नाम है, उसको फेज 2 बोलते हैं। इधर एक कैफेटेरिया दिख रहा है। और एक चीज और, नीचे खड़े होके हमें अंदाजा नहीं हो रहा था ऊपर मौसम कैसा होगा, और यहाँ खड़े होके सामने देख लो जी, क्लाउड्स पहाड़ों से टच हो रहे हैं, और ऐसा तो लग रहा है मेरे को कि अगर हम ऊपर पहुंच जाएंगे तो ऐसा लगेगा हम बादलों के बीच में खड़े हैं, ऐसा लगेगा ना जी सर? गुलमर्ग गंडोला राइड की ना सबसे एक्साइटिंग जर्नी हमारी स्टार्ट हो गई है फेज 2 की। अफरवट बोलते हैं ना, अफरवट। अच्छा, ये फेज 1 से जो फेज 2 का सफर है ये ज्यादा लंबा है ऐसा लगता है? हाँ, ये ज्यादा लंबा है, फेज 1 से ज्यादा लंबा है। हाँ, वो जो फेज 1 जो है ना वो 8 मिनट का राइड है, ये 14 मिनट का राइड है। एक तो ये हाइट पे, उससे ज्यादा हाइट पे है। फोटोग्राफ करते करते किसी का बाय चांस फोन बाहर गिर गया तो इसलिए कैमरा अपना केबल कार के अंदर ही रखो, बाहर मत निकालो। इम्पोर्टेंट पॉइंट।
फेस टू पहुंचते ही ना बर्फ के दर्शन हो गए हैं। मैंने 150 रुपया पर पर्सन के हिसाब से ये गम शूज ले लिए हैं। अभी आगे चलेंगे, इंजॉय करेंगे। तो कुछ स्लेज वाले नीचे हमें मिले थे, वो कह रहे थे 1 आदमी का 3,500 रुपये लेंगे और आपको ऊपर लेके जाएंगे। मेरे को लगा 3,500 रुपये बहुत एक्सपेंसिव है, तो देखते हैं हम पैदल कहाँ तक जा सकते हैं। वैसे एक बात है, स्लेज वालों की ना मेहनत तो है। अब देखो लोग स्लेज पे बैठ गए हैं और कितना अपहिल उनको खींच के लेके जा रहे हैं और ऊपर जाने के बाद आगे भी लेके जाएंगे। बड़ी मेहनत का काम है। आगे चलते हैं, नॉन स्टॉप चलेंगे तो कितना, 40 मिनट? नहीं, जिस हिसाब से आप चलते हैं ना आपको ज्यादा टाइम लगेगा। अच्छा चलो, बहुत ज्यादा टाइम, कोशिश करते हैं जल्दी चलें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो हमने वहां से ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया था, 10 से 15 मिनट लगे हमारे को यहाँ तक आने में। धीरे धीरे चढ़ते हुए आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। नीचे से जो हम देख रहे थे ना लोग स्लेज पे आ रहे थे, यहाँ तक आते हैं स्लेज पे बैठ के। अब यहाँ से वही स्लेज वाला आपको स्की पे आगे लेके जाता है। अब देखो दिख रहा है ना, दो दो लोग एक ही स्की के ऊपर है। कितनी आगे तक लेके जाते हैं ये? ज्यादा दूर तो नहीं है ये, समझो 170 मीटर तक जाते हैं। 100 मीटर तक, 100 मीटर दिखाकर वापस ले आएगा। तो इसी चीज के 3,500 है। भाई साहब मजा बड़ा आ रहा है। तो भाई आप इतना हाइट भी आगे सबको कावा पिला रहे हो, क्या रेट है इसका? 100 रुपए का एक। अच्छा, एक दो, बढ़िया। तो ये कावा आप कहाँ से बना के लाए? घर से बना के लाए। अच्छा भाई, आप भी तो कावा लो। नहीं, आप पियो, इनको भी दो कावा। एक चीज़ हमें और मालूम चली कि मौसम जब खराब होता है ना तो कभी कभी फेज वन पे गंडोला बंद कर देते हैं, फेज टू अलाउड नहीं होता, और ये काफ़ी ज़्यादा होता है। तो फिर आपको अपनी टिकट दिखानी पड़ेगी, वो नोट कर लेते हैं कि आप नहीं गए फेज टू, और फिर आपको रिफंड करते हैं। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि आप गुलमर्ग गए और एंड मोमेंट पे बरसात हो गई, किसी कारणवश पूरी गंडोला राइड ही बंद हो गई एक दो दिनों के लिए, तो भी ये लोग रिफंड करते हैं। ऐसा करके सिस्टम है यहाँ पर। अच्छा कावा वाले भाई साहब, कावा आपने बहुत अच्छा बनाया, मतलब बहुत बढ़िया, जेन्युइन कावा का टेस्ट मेरे को मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब टूरिस्ट के हिसाब से तो हमें महंगा लगता ही है, लेकिन अब आपकी भी मेहनत है ना, नीचे घर से कावा बना के लाना, वो भी तो मेन बात है। भाई इसका कब कहाँ पे रखें? अच्छा ये यार काम बढ़िया कर रहे हो कि बड़ी जिम्मेवारी से आप कब साथ लेके जाओगे। वेरी गुड। तो पाओ आधा फीट अंदर जा रहा है। वाओ इस समय जहां नजर घुमाओ वहीं पर व्यू है, और अलग अलग व्यू है। इधर बादलों की खूबसूरती अलग है, यहां पर ऊपर क्लियर स्काई है, और वहां हर तरफ स्नो ही स्नो है। एनीवेज जहूर भाई तो वो आगे जाके बैठ गए हैं, और हम ये सफर बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, आराम से रुकते रुकते, जिससे कि हम इस ट्रैक को एंजॉय करें और आगे बढ़ें। कितना भी कोशिश कर लो आप इस सारे सीन को ना वीडियोग्राफी के थ्रू तो जस्टिस नहीं कर सकते। ये तो है कि अपनी नजरों से देखो और एंजॉय करो। अभी हमें मालूम चला है कि जिस लेक को हम विजिट करने जा रहे हैं ना, वो इस समय फ्रोजन लेक बनी हुई है। तो वहां जाके आपको समझ ही नहीं आएगा लेक है कि स्नो है। जिस साल यहाँ पे बर्फ थोड़ा ज्यादा था, अच्छा, उसकी वजह से लेक अभी बंद ही है, वरना इस महीने में भी लेक दिखता था। अच्छा बिल्कुल। जब
जब से हमने चलना शुरू किया है ना, तब से हमने पहली बार रेस्ट लिया है। बीच में रुक रहे थे लेकिन फोटोग्राफ और वीडियो बनाने के लिए, लेकिन बैठे हम पहली बार हैं। काफी ऊपर आ गया वैसे हम। हाँ हाँ, बहुत ऊपर आ गए हैं। उस तरफ को जाना है। वेरी गुड। वैसे देखता हूँ आउट ऑफ क्यूरोसिटी मोबाइल नेटवर्क आ रहा कि नहीं आ रहा। यार नहीं आएगा। नहीं आएगा। जहाँ फेस टू गंडोला वहाँ आता है ना? वहाँ आता है। अच्छा, किसका आता है वैसे? जियो का या सबका? जियो और एयरटेल बीच बीच में आता है। जियो और एयरटेल आता है फेस टू पे। हाँ। यहाँ तो जीरो नेटवर्क है। और ये स्नो कितनी होगा यहाँ? ये कम से कम 3-4 फीट की होगी। 3-4 फीट। हाँ। भाई साहब मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। इस समय हमारे सिवा यहाँ पर कोई भी नहीं है। आप इमेजिन कर लो कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, हजारों लोग नीचे हैं फेस टू पे, और उन हजारों लोगों में से हम अकेले यहाँ पर आए हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। ओए होए, गॉड, क्या नजारा है ये तो, गजब, पूरा सीन ही बदल गया, जबरदस्त, दिल खुश हो गया। मैं क्या बताऊं, क्या चीज देख रहे हैं यहां से हम। इस जगह खड़े होके ना, मैं कितनी भी तारीफ कर लूं, इस नजारे को मैं कैमरे में ना कैद कर सकूंगा, ना आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूंगा क्या दिख रहा है। फिर भी थोड़ी सी कोशिश करता हूं कि मेरे को क्या चीज यहां पर बेहद अच्छी लग रही है। इधर देखो, पहली बात हम हाइट पे हैं, और यहां से नीचे एकदम स्लांट है। हो सकता है अगर किसी लोकल स्लेज वाले के साथ आए तो आपको स्लेज पे भी नीचे लेके जाते हो, मेरे को नहीं पता, हो सकता है। और वो बीच में पानी जो पिघला हुआ है ना, वो हमें दिखाई दे रहा है। तो मतलब व्हाइट कलर के साथ एक पानी का रंग मिल रहा है। बीच बीच में कहीं चट्टाने हैं, पत्थर हैं, जहां पर स्नो मेल्ट हो चुकी है। ऊपर बादल, आसमान, दिस इज टू गुड। मैं आपको ये बता सकता हूं, इतने सफेद बादल एरोप्लेन में सफर करते हुए दिखाई देते हैं। बहुत रेयर होता है कि नजरों से इस तरह के सफेद बादल देखो। नेचर एट इट्स बेस्ट। जो लेक है जी, वो कहाँ है ये बताओ? जो ये दिख रहे हैं ना, कौन सी? ये सामने, ये लेक ही है? हाँ, ये है लेक। अबे ये पूरा बंद है। हाँ। बर्फ से खाली बीच बीच में थोड़ा जगहों पे खुल गया है। हाँ। ये पूरा लेक है। हाँ। बस 8-10 दिन के बाद ये पूरा खुल जाएगा। हाँ। तो इसका पूरा जो पानी है उसका कलर ब्लू कलर का होगा। ब्लू कलर का पानी होगा का। तो यानी समझ लो मोटा मोटा 15 जुलाई तक आते आते ये लेक पूरी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। पूरा दिखने स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, बारिश का क्या सीन रहता है यहाँ पे? बारिश कभी भी, कभी भी, किसी भी वक्त। ऐसा नहीं कि यहाँ पे फिक्स मौसम है बारिश का, तो इसका भी लगातार रहते हैं। आपकी बातों से तो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर हम बैठे रहे यहाँ पे तो बड़ी बात नहीं, एकदम सुहाना मौसम। बिल्कुल, बरसात में कन्वर्ट होकर मौसम पूरा बदल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके का मतलब ये हो गया कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो एक्स्ट्रा जैकेट साथ लेकर आओ। बिल्कुल, सेफ्टी के साथ यहाँ पे आना चाहिए। गम शूज के बिना तो चांस नहीं है। और हो सके तो एक आध जीन्स स्पेयर में ले आओ। वाटरप्रूफ कपड़े होते हैं। हाँ। वो होना चाहिए साथ में। हाँ। क्योंकि उसमें क्या सेफ्टी रहता है अगर बारिश भी आएगी। हाँ। तो वाटरप्रूफ में तो सेफ रहता, अंदर जो कपड़े होते हैं वो बस जाते हैं। हाँ। और शरीर ठंडा नहीं होते हैं। आज अगर हम इस जगह नहीं आते तो मेरे को वाकई में लगता मैंने बहुत बड़ी पॉइंट मिस कर दिया, बहुत बड़ा पॉइंट मिस कर दिया, ऐसा मुझको महसूस होता। चीज ही अलग है। नीचे देखो पॉइंट फेज टू में एक्टिविटी हो रही थी, लोग स्लेज कर रहे थे, स्की कर रहे थे, वो फन है नो डाउट। लेकिन यहाँ आके क्या बोले, ऐसा लग रहा है ये हमारी प्राइवेट स्नो है। ऐसा इस वजह से लग रहा है क्योंकि हम ये स्नो को किसी और के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, हम अकेले ही देख रहे हैं, कोई भी और टूरिस्ट नहीं है। और हैरानगी की बात यह, रास्ते में मेरे को एक ही टूरिस्ट दिखाई दिया था जिसने बोला कि मैं ये पॉइंट देख कर आया हूँ, तो आप जा सो जाओ, 15 मिनट में इस पॉइंट तक पहुंच जाओगे। लेकिन वो भी नीचे तक नहीं गए, इधर से देखा था उन्होंने। वैसे भी हम नीचे नहीं जा रहे हैं क्योंकि नीचे उतर गए ना तो फिर हमें ऊपर चढ़ने में तकलीफ भी होगी, और दूसरा लेक हो तो नीचे जाने में मतलब है।
कि एक लेक का आप नजदीक से जाके वो नीले पानी का देख सको। अगर आप यहाँ आने का सोच रहे हो तो अपने आप से ना ही वेंचर करो, क्योंकि अपने आप से आपको रास्ता ही नहीं समझ में आएगा। कितना भी कोई गाइड कर दे लेफ्ट जाओ राइट जाओ, नहीं समझ में आएगा। गाइड होना जरूरी है या कोई स्लेज वाला हो जो बंदा आपको लेकर आए साथ में, अदरवाइज अकेले मुश्किल है क्योंकि रास्ता नहीं समझ आएगा कहाँ लेफ्ट लेना है। और सबसे मेन बात, पांव कहाँ रखना है, वो भी तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। थोड़ा चलेंगे वहां तक ना, एंजॉय करते हैं, आओ। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं एक फोल्डिंग चेयर ले आता, यहाँ नहीं बैठ सकता ना, मेरा पैंट जींस गीला हो जाएगा। फोल्डिंग चेयर ले आते और मैं आप बैठे रहते, और तब तक बैठे रहते जब तक बरसात स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि यहाँ से जाने का मन ही नहीं होगा, हो रहा मतलब होगा क्या बोले तो मन हो ही नहीं रहा मेरा यहाँ से जाने का। हल्की हल्की बरसात की बूंदें पड़ रही हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, 10-15 मिनट में बरसात हो जाए और फिर हमें बाद में लगे कि हम ज़्यादा रुके, तो बेहतर रहेगा कि और 2-4 मिनट में हम यहाँ से नीचे उतरना शुरू करें। बाकी गुलमर्ग रॉक्स। भाई काम करते हैं, अब हम ज्यादा रुकेंगे नहीं, अब कोशिश करते हैं कि नॉन स्टॉप ही नीचे तक जाएं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और भूख लग गई है जैसे हिल्स में हमेशा होता है ना, आप थोड़ा सा चलते हो तो आपको भूख लग जाती है, तो देखते हैं या तो फेज़ टू पे कुछ खा लेंगे, नहीं तो नीचे फेज़ वन पहुंचकर कुछ लंच में खा लेंगे। आओ जी, हमें ना नीचे की तरफ उतरते उतरते 45 मिनट से ऊपर का टाइम हो गया है, धीरे धीरे उतर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। अब इस जगह खड़े होकर ना मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, कभी आपने फ्यूचर में आना हो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जगह कितनी दूर है। यहाँ पर खड़े होके मेरे को सामने गंडोला केबल कार दिखाई दे रही है, मतलब मैं फेस टू को क्लियरली देख पा रहा हूँ, और वहाँ पर ऊपर वो बड़ी सी पहाड़ी दिख रही है। अब क्योंकि थोड़ा नीचे आ गए हैं तो उतने अच्छे से नहीं समझ आएगा, लेकिन बड़ी सी पहाड़ी दिख रही है, वहाँ आपको उस पार जाना है उस पहाड़ी के, और पहाड़ी पे पहुंचने के बाद आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे उस पॉइंट पे पहुंचने में जहां आपको लेक दिखाई देगी। अब हमको आधा घंटा लगेगा, देखने में लग रहा है कि वो पॉइंट पास में ही है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे वहां तक पहुंचने में आधा घंटा लग जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सही लग रहा है आज का गंडोला राइड, हमने काफ़ी इंजॉय आते समय भी करी थी, अब नीचे उतरते समय भी अच्छा लग रहा है। गुड, अब फेज़ वन में हम उतरेंगे जी, और उसके बाद देखते हैं या तो फेज़ वन में कुछ खाएंगे या नीचे गुलमर्ग उतर के कुछ खा लेंगे। वैसे तो फेज गुलमर्ग ही जाएंगे, बेटर है, बेटर वही रहेगा क्योंकि अभी जाने का टाइम है, लाइन लग जाएगी। अच्छा, फिर ये भी चक्कर है ना कि लाइन में फिर अपना एक घंटा खराब करने से अच्छा है कि नीचे उतर जाओ, नीचे खाना वाना आराम से खा सकते हैं। फाइनली शाम के 4 बजे हम नीचे गुलमर्ग तक आ गए हैं। आप इमेजिन करो, सुबह 9:45 बजे हम गंडोला के स्टार्टिंग एंट्री पॉइंट पे थे और 4 बजे नीचे पहुंचे, तो हमें कितना समय लग गया, लेकिन एंजॉय खूब किया। अब लंच करने के लिए ना यहाँ मैं देख रहा हूँ हिल टॉप रेस्टोरेंट में जाके हम लंच कर लें, लंच करके फिर थोड़ा बहुत घूमेंगे, फिर हमको श्रीनगर जाना है। हिल टॉप रेस्टोरेंट के नीचे ही ना मियासा कैफ़े है, यहाँ पर हमने अपने लिए वेज चाउमिन ले लिया है। गजब प्रिपरेशन है, पहली बार लेते ही दिल खुश हो गया, फुल ऑन खटास है जैसे सॉसेज की खटास होती है ना, और मस्त बनाया, लोडेड विद वेजिटेबल्स, वेरी गुड टेस्ट।
गुलमर्ग में हम महाराजा पैलेस विजिट करने के लिए आ गए हैं, तो बाहर ये ओपन स्पेस है, टैक्सीज यहाँ खड़ी हो जाती हैं, सामने पैलेस है। आओ जी। शबीर भाई हमें पैलेस विजिट करने में हेल्प करेंगे। जी सर। तो यहाँ कुछ अपने को एंट्री टिकट भी निकालना होता है? जी सर, इसकी टिकट है 40 रुपीज़ पर पर्सन गवर्नमेंट ने रखे हैं सर, जो बिलो अटेंडेंस सर उसको 20 रुपीज़ है सर। कहाँ से मिलेगा टिकट? अंदर मिलेगी आपको टिकट। अच्छा, सर ये फर्स्ट ड्राइंग रूम है पैलेस का सर। ये जो आप देख रहे हैं ना सर, फायर प्लेस एज ए हीटर यूज करते थे उस टाइम महाराजा हरि सिंह जी सर। तो ये जो जगह है जी सर, ये किस काम आती थी जी? एक्चुअली सर यहाँ पर राजा जी बैठे थे, खुद महाराजा हरि सिंह जी सर बैठते थे। जी जी सर। सही है, ब्यूटीफुल सर जी। ये है मीटिंग रूम, पैलेस का मीटिंग रूम, यहाँ पर मीटिंग्स करते थे उस टाइम महाराजा हरि सिंह जी सर। तो 1947 तक जी सर महाराजा हरि सिंह जी यहीं से ऑपरेट करते थे? जी सर। उनका पीरियड कौन सा हुआ है? 1923 से लेकर 1947 तक सर। अच्छा, ये क्या है? सर ये था एक्चुअली सर दरबार, यहाँ पर दरबार लगता था उस टाइम का दरबार सर, कॉन्फ्रेंस हॉल इसको बोलते हैं सर। ये जो आप कारपेट देख रहे हैं ना सर, ये वाला जी, ये सिंगल पीस है सर, ये कश्मीरी कारपेट नहीं, ये ईरानी कालीन है सर, उस टाइम ईरान से आया है सर। अच्छा जी, जी तो सर, ये इतना बड़ा कारपेट जी सिंगल पीस है? ये सिंगल पीस है सर। तो इसका मतलब ये लगभग 100 साल पुराना कारपेट है जी? 100 साल तकरीबन सर। ये पैलेस का वेटिंग रूम है सर, दरबार लगने से पहले जब लोग आते थे दरबार शामिल में होने से पहले यहाँ पर वेट करते थे सर। बता दो, हॉलीडे पे आते थे तो दरबार साथ लगाते थे? जी जी जी, छोटे छोटे दरबार लगाते होते हैं यार जो नज़दीक के हैं। जी जी जी। आगे देखे फिर? जी आइए सर। सर ये पैलेस का फर्स्ट बेडरूम, मास्टर बेडरूम, ये था पर्सनल बेडरूम महाराजा हरि सिंह जी का सर। स्टाइल है एकदम, स्टाइल है सर। ये बेड तो, देखो सर, ये तो जैसे आपने बताया हमको उनकी हॉलिडे की जगह थी। जी जी। तो जो श्रीनगर में उनका पैलेस है जी सर, वो भी होटल में कन्वर्ट हो जी, गया जी, वो होटल में कन्वर्ट होगा। और होटल कौन सा? ललित जी। इसका अटैचमेंट डाइनिंग रूम है सर। अच्छा, ये साथ में डाइनिंग रूम। जी जी जी। कुछ इस लकड़ी के बारे में बता सकते हो? एक्चुअली जो आप ये देख रहे हैं ना, ये वुड, ये अखरोट की पेड़ की लकड़ी से बना हुआ पूरा पैलेस है ये सर। अखरोट जो खाते हैं ना सर, उसी की पेड़ की लकड़ी से। जब ये कंप्लीट हुआ ये पैलेस, उसके बाद जो अखरोट के पेड़ है ना सर, उस पर बैन लग गई, अभी भी बैन जा रहे हैं। जो भी काटेगा अखरोट के पेड़, उस पर केस दर्ज होगा, सरकारी केस। मेरे घर में भी अपने पेड़ है, फल खा सकते हैं, हमारे काट नहीं सकते सर। अरे तो पुराने ज़माने में होता था। सही है भाई साहब, पैलेस तो अच्छा बना हुआ है और देख के मज़ा भी आ रहा है। जी सर, जो भी काम आप देख रहे हैं ना पैलेस में सर, हैंडमेड है सारा, हैंड वर्क। और सारी अखरोट की लकड़ी है? 60% जी। जो अभी आपने अंदर एंट्री ले, इसका नाम है म्यूजियम रूम सर। आपको यहाँ पर हथियार मिलेंगे, उस टाइम के हथियार सर। ये जो देख रहे हैं ना, छोटे छोटे गन्स, ये महाराजा के टाइम के हैं सर। तब से प्रिजर्व करके यहाँ पे रखी गई है। इसको क्या बोलते हैं आप लोग? इसको खोखरा बोलते हैं सर। खोपरा? खोखरा, खोखरा सर। ये तलवारें भी कुछ इसमें हैं सर। और ये क्या चीज़ है? ये कैंडल स्टैंड है सर, लाइटिंग के लिए। अच्छा जी सर। तो यानी किसी जमाने में जी सर यहाँ पर कैंडल लगा होती होगी, लगती होगी ऑब्वियस, अंधेरे के समय। नीचे भी है? जी, इसका नीचे ग्राउंड फ्लोर में बेसमेंट सर, घोड़ों का अस्तबल। जी, घोड़ों का अस्तबल? अस्तबल था उस जमाने का, घोड़ों का अस्तबल सर। नीचे आते ही तो बड़ा मस्त लग रहा है जी। और एक ठंडक है यहाँ पे? ठंडक है, बिना एसी के सर। हाँ, ऊपर के मुकाबले यहाँ बहुत अच्छा है, ठंडा है, ठंडी है सर। लवली। तो ये टेबल चेयर यहाँ पर किस वजह से रखा गया है? जी सर, एक्चुअली जब इसको मॉडिफाई किया था 2017 में, 2017 में सर, फिर गवर्नमेंट का एक प्लान था यहाँ पर एक रेस्टोरेंट बनाएंगे, 3-स्टार रेस्टोरेंट। वो प्लान कैंसिल हो गया सर। इस साल इसका दूसरा प्रपोजल आ गया सर गवर्नमेंट की तरफ से, शायद 3-स्टार कॉफ़ी शॉप बनेगा सर। ये डिमांड है टूरिस्ट लोगों की है सर। ये अच्छी बात है जी सर, यहाँ पे कॉफी शॉप बनेगी तो सही है। खासकर यहाँ पर शूटिंग ज्यादा होती है, पिक्चरों की शूटिंग इस पैलेस में होती है सर। साउथ इंडियन के पिक्चरों की शूटिंग यहाँ पर होती है सर। अच्छा। कोई फंक्शन भी कोई करता है सर। बाहर तक आपके साथ चलते हैं। ठीक है सर।
शबीर भाई सही है, आपने बहुत कम समय में हमें पैलेस अच्छे से घुमा दिया। जी सर, मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था। जी सर, एक तो ये पूरा पैलेस लकड़ी से बना हुआ है। जी सर, सिर्फ नीचे का जो हिस्सा है जी सर वो ईंटों से बना है, जो आपने बताया घोड़ों का अस्तबल बोलते हैं। जी सर, वो पूरा पत्थर का बना हुआ है। हाँ, ये लेवेंडर के फूल है। जी सर, एक्चुअली इसको लोपिन बोलते हैं। लोपिन, लोपिन जी। ये बहुत सारे फूल आज मिलेंगे गुलमर्ग। कल भी हमने जगह जगह ये फूल देखे और आज भी देख रहे हैं। जी जी सर, है ना। जी सर, अभी आप देख रहे हैं ये पेड़ सर, इसमें बहुत किस्म होते हैं सर। ये देवदार और पाइन भी आपको इसमें मिक्स में है ना। जी, मिक्स में सर। देवदार है काफ़ी यहाँ पे। जी, देवदार भी है, पाइन भी है सर। पाइन भी है। जी सर, वैसे यही है वैली का चाम। चाम अपने ऊंचे ऊंचे पेड़ देखो, बड़े बड़े हरियाली देखो। और वैसे ये महीना ना मई, अप्रैल, मई, जून भी, ये बेस्ट टाइम है कश्मीर में ट्रैवल करने के लिए। बाकी किसी को अगर स्नो देखनी है तो फिर तो ऑब्वियसली आपको विंटर्स में आना पड़ेगा, दिसंबर जनवरी जनवरी में। बहुत खूब। ओके सर, थैंक यू, वेलकम सर। महाराजा हरि सिंह पैलेस विजिट करने के बाद हमने 2.5 किलोमीटर का सफर किया और अब हम भगवान शिव के मंदिर जा रहे हैं। सामने आप देख रहे हैं ना, बस ये कुछ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच जाएंगे। और यहां से आप ऊपर जाने से पहले आपको मैं ये मीडोज एरिया भी दिखा देता हूँ। काफ़ी टूरिस्ट क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पैदल चल रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी सारी पोनी भी खड़ी हुई है। गुड, आइए। सीढ़ियां चढ़ के हम मंदिर तक पहुंच गए हैं। बाहर में पढ़ रहा था 2021 में यहां पर रेनोवेशन हुई है। ये तो काफी प्राचीन स्थान है ना सर। ये 1915 में ये मंदिर स्थापित किया गया था, अभी 109 साल हो गए। ये कश्मीर का जो महाराजा हरि सिंह जी था तो उसी ने अपनी पत्नी के नाम पे इसको स्थापित उस टाइम करवाया था। सही है, हिल के ऊपर ये टेंपल बना हुआ है। तो जब आप गुलमर्ग आएंगे तो यहाँ पर आइए, मंदिर में माथा टेकिए, भगवान शिव के दर्शन करिए। और बाहर चल के मैं आपको व्यू भी दिखाता हूँ, तो आपको एक एरियल व्यू गुलमर्ग का यहाँ से देखने को मिलेगा। धन्यवाद। मैं बता रहा था ना, टेंपल हाइट पे है तो हमें दूर दूर तक व्यू देखने को मिल रहा है। रह रह के ना गुलमर्ग में जो मैं मीडोज देख रहा हूँ, इसके बारे में ऐसा महसूस हो रहा है कि ऐसा व्यू आसानी से देखने को मिलता नहीं। यही कारण है कि गुलमर्ग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हिल स्टेशन है। आप यहाँ देखो ना, कैसे पहाड़ नीचे उतरता है, टोटल ग्रीनरी है और देवदार, पाइन, मिक्स में ट्रीज हैं जगह जगह। आज मॉर्निंग में आपने देखा, हम वहाँ हिल के ऊपर तक गए थे, एग्जैक्टली वहाँ नहीं गए थे लेकिन वहाँ पर मेरे को डायरेक्शनली नहीं मालूम हम कहाँ गए थे, लेकिन कितना मस्त लग रहा है ना। बस ये और 15 दिन की बात है, फिर धीरे धीरे बर्फ मेल्ट हो जाएगी। एक बार उधर से देख लेते हैं, फिर हम यहाँ से चलेंगे। वाओ, ये देख लो जी, सारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं। और कल हमने डिनर वहाँ पे कहीं किया था, तो वहाँ 2-3 ईटरीज हैं। इनफैक्ट 2-3 क्या, ज़्यादा ईटरीज हैं, कम से कम 10-12 ईटरीज होंगी उस जगह। और JKTDC में जहाँ हम रुके थे ना हट में, वो वहाँ पर आ गए हैं। मतलब समझ लो अगर पैदल जाएंगे तो 500 से 600 मीटर। सही लग रहा है, हाइट से इन खूबसूरत मीडोज को देखकर मज़ा आ गया। चलो अब हमें क्या करना चाहिए, विदाउट लॉस ऑफ टाइम श्रीनगर के लिए निकलना चाहिए। वैसे तो 1.5 घंटा लगता है, मैं एक बार मैप से चेक कर लूँगा, हो सकता है 1.5 की जगह 2 घंटे लग जाएँ। और 6:30 ऑलरेडी हो चुके हैं, पहुँचते पहुँचते 8:30 हो जाएगा और श्रीनगर पहुंच के आज का डे हम एंड कर देंगे। आइए।
रात के 8:30 बजे हम श्रीनगर पहुंच चुके हैं। रहने के लिए हमने अकोमोडेशन यहाँ पर महाताज होमस्टे में करवाई है। तो अब मैं भी चल के रूम देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। हमने 2 रूम लिए, आपको एक दिखा देता हूँ, ये देख लो जी। तो 2-3 किस्म की कैटेगरी थी, डीलेक्स, सुपर डीलेक्स, तो हमने सुपर डीलेक्स रूम लिया है। नाइस रूम, गुड एम्बियंस, मतलब अच्छा लग रहा है रूम के अंदर, और वॉशरूम भी बढ़िया है, वेरी गुड। इसका जो हमने टैरिफ दिया है 10,000 कुछ 10,200 10,300। अब आपको मैं कुछ देर में दोबारा ज्वाइन करता हूँ, डिनर करेंगे और आज का दिन हम एंड करने वाले हैं। डिनर करने के लिए ना हम इनके रेस्टोरेंट आ गए हैं। खाने में क्या क्या है, ये इसको ये कह रहे हैं पीला पनीर। पनीर को दही की ग्रेवी में तैयार किया गया है और मुझे इसमें ऊपर बहुत सारा तेज पत्ता दिखाई दे रहा है और मोटी इलायची। चलो बढ़िया। राजमा, एक काम करता हूँ, राजमा मैं बाद में ले लूँगा। दम आलू, वैसे अगर आप कश्मीर आए और आपने दम आलू नहीं टेस्ट किया तो समझ लेना आपने एक लोकल वेजिटेरियन साइड पे एक बहुत फेमस डिश मिस कर दिया है। लास्ट टाइम भी जब मैं आया था ना तो मैंने दम आलू 3-4 जगह टेस्ट किया था और टेस्ट में काफ़ी मेरे को डिफरेंस महसूस हुआ था। और क्या लेंगे? अब तो इसकी मेरे को पहचान ही हो गई है। लास्ट टाइम मेरे को याद है जब मैं दूध पथरी जा रहा था ना तो वहाँ मैंने हाक साग मक्की की रोटी के साथ खाया था। लवली। सबसे पहले ना हाक साग टेस्ट कर लिया जाए। वैसे टेस्ट वाइज ना बहुत जूसी है, मज़ेदार। ये है कि नमक या तो डाला नहीं, या डाला तो बहुत कम डाला है, नमक के सिवा इसमें कुछ भी नहीं है। सही है, हेल्दी फूड प्रिपरेशन। इसका नाम मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, पीला पनीर। सही है। और आज से पहले मैंने कभी भी ना, जितना मुझे याद है, मैंने कभी भी पनीर को दही की ग्रेवी में टेस्ट नहीं किया, शायद पहली बार। साबुत जो मसाले होते हैं ना, जैसे मोटी इलायची, छोटी इलायची, तेज पत्ता, फुल ऑन फ्लेवर है। बाकी पतली ग्रेवी है, टेस्ट सही है, मौसम के हिसाब से सही है। यहाँ पर मैंने कल भी नोटिस किया था कि मोटी इलायची का बहुत एक्सटेंसिव इस्तेमाल करते हैं दम आलू बनाते समय भी, और ये तो मैं अभी यहाँ पे देख ही रहा हूँ। पनीर के स्वाद में ना समा बांध दिया, हाईली इम्प्रेस्ड। क्या मालूम अच्छी चीज मेरे को और ज्यादा क्या लग रही है, इसमें होमली टेस्ट है, वेरी वेल कुक्ड। मैंने पहले भी पता लगाया था यहाँ पर दम आलू बनाने के लिए ना, जैसे आलू को बॉईल कर लिया, उसके बाद उसको फ्राई करते हैं, फिर ये सेपरेटली ग्रेवी तैयार करते हैं टमाटर प्याज की और उसमें फ्राइड आलू मिक्स कर देते हैं। ग्रेवी इसकी फुल मसालेदार है। फिरने का बहुत मस्त स्वाद है, बेहतरीन। इसमें ना थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स हैं लेकिन वो इतने पिसे हुए हैं कि खाते समय ऐसा महसूस नहीं हो रहा, लेकिन फ्लेवर ड्राई फ्रूट का मस्त आ रहा है, फैंटास्टिक, अति उत्तम। अभी रात के 10:30 बज चुके हैं, आज का हमारा दिन काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, जैसा अक्सर ट्रैवल करते समय हो ही जाता है। कल हमें सुबह गुरेज के लिए निकलना है, 7:30 और 7:45 के आसपास बीच में हम निकलेंगे गुरेज के लिए, और ये वाला एपिसोड हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। बताना आप कमेंट करके आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा। हेक्टिक जर्नी थी क्योंकि हम
फेज़ टू में आपने देखा ना, हम कितनी आगे तक चले गए थे। आम तौर पे बहुत कम टूरिस्ट हैं जो इतनी आगे तक जाते हैं। मज़ा खूब आया। और आज के दिन की जो हमारी जर्नी थी, स्पेशली मैं गुलमर्ग में फेज़ टू के ऊपर की बात कर रहा हूँ, वो एक लाइफ टाइम मेमोरी बन के मेरे माइंड में स्टोर हो गई है। राइट है, तो फिलहाल आपको इधर ही बाय बाय कर देता हूँ। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर योर टाइम।